अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती और जिनके पास होती है वह लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं जैसे कि आप सबको मेरा प्यार भरे नमस्ते और आज हम करने वाले हैं डी टूटे हुए कपों से देख सकते हैं आप मेरे पास ये कितने ही दिन से टूटे हुए कप रखे हैं कब भी सोच रहे होंगे कि मेरे को फेंक देगी फेंक देगी लेकिन मैंने इनको नहीं फेंका है पिछले छः महीने से रख रखे हैं पर देखो ये बिल्कुल ही डैमेज हो गए हैं और ये जब आए थे ना तो इनके बॉक्सेस से भी मैंने डीआईवाई किया था तब उनके डब्बों से कुछ बनाया था आज इनसे बनाऊंगी और देखते रहिए वीडियो को पूरा कि क्या क्या बनेगा इनसे और कैसे कैसे बनेगा एक पे तो जब पेंट हो रहा था घर में तो मैंने पेंट भी करने की कोशिश की थी लेकिन उस पर चला नहीं पेंट फिर जब इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इन पर करूँ तो आज मुझे टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो आज कुछ कर लेते हैं इनके साथ ये कब तक बेचारे वेट करते रहेंगे कि हमारे साथ कुछ करेगी या नहीं है नहीं तो हमें ऐसे ही रखे रखेगी या फेंक देगी लेकिन फेंकने वालों में से तो हूँ नहीं मैं ये तो आप भी जानते हैं कबाड़ से जुगाड़ करने में तो मैं पूरी महारती हूँ पड़ोसियों के घर में भी कबाड़ नहीं छोड़ती हूँ तो अब मैंने ये एक सुतली ली है जो मतलब खाट वाले बांध होते हैं सुतली से थोड़ी मोटी है बांध ही है एक तरह से बाण बोलते हैं जिससे खाट बुनते हैं तो उसे में इससे चाहे तो आप फेविकोल से भी चिपका सकते हैं बस फेविकोल से थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में और अर अरे ग्लूगन से हम चिपकाते हैं तो इससे फटाफट सूख जाता है तुरंत ही और सबसे पहले वाली लेयर चिपकाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है फिर तो आप इसको कहीं कहीं टक कर दें हल्का हल्का सा और लपेटते चले जाएँ कप पर तो बहुत ईजीली हो जाता है ये ये सबसे आसान मेथड है इसमें आपको कलर बुरु ये कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं आजकल ये जूट वाले प्लांटर वगैरह या डेकोरेटिव आइटम जूट के जो इससे रस्सी से बने होते हैं बहुत कॉस्टली मिलते हैं आप ऑनलाइन सर्च करके देखना कितना कॉस्टली होते हैं तो बस एक बार शुरुआत करने की देर है फिर तो ऐसा इस तरह आप इस पर टाइट सा हाथ करके लपेटते चले जाएं और जब तीन चार बार लपेट दें तो एक बार इसको आप हल्का सा चिपका दें ताकि खिसके ना नीचे और कहीं अगर रस्सी में कुछ एक्स्ट्रा तिनके वगैरह निकले हैं तो उन्हें भी काटते रहें देखो कितना ये मैंने नीचे तक बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है और रस्सी काटने से पहले आप एक बार कप को सीधा करके रख के देख लें ताकि उल्ट मतलब ऊंचा नीचा ना हो कई बार ऐसा होता है ना ऊंचा नीचा रस्सी होगी हो तो जहाँ से आपको लगे तो लेबल करके उसको चिपकाएं अच्छे से तो ये एक कप पर रस्सी लग गई है पूरे अच्छे से ये देख सकते हैं अब बारी आती इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की तो बहुत पहले मैं ये एक फ्लावर वाली लेस लाई थी पाँच रुपये मीटर तो ये बिल्कुल सिंपल कपड़े की बनी हुई है ऐसे फ्लावर से बने हुए हैं इस पर तो ये मैं इसके ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ लगा दूँगी ग्लूगुलन की मदद से ही और डेकोरेट तो आप देखो आपके पास मोती हैं सितारे हैं कुछ भी है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही भी रख सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है इस पर आप कुछ भी लगाना ये ऐसे भी रखा हुआ सुंदर लगेगा तो देखो मैंने दोनों तरफ इस पर लगा दिया है स्टार फ्लावर वाली लेस और ये इसी के मेरे पास बड़े वाले फ्लावर भी हैं ये पाँच रुपये का एक फूल मिला था मेरे को और ये अभी नहीं लाई मैं काफ़ी दिन से मेरे पास रखे हैं शायद मैं इन्हें बनाने के लिए लाई थी लेकिन बनाए नहीं थे तो दो फूल मैंने इस पे ये लगा दिए हैं देखो ये मेरा प्लांटर बनके बिल्कुल ओके रेडी हो गया है और ये अब अगले दो तीन साल कहीं नहीं जाने वाले गिर गए टूट गए तो मैं कहती नहीं लेकिन अब इनके पैसे फुल ऑन वसूल हो जाएंगे और ये स्टोन जो आते हैं पायल ने ला रखे हैं अपने काम के लिए तो ये ग्रीन वाले स्टोन में जो लेस है ना इसके बीच में जगह है थोड़ी सी तो वहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी ये कीप है जिससे मैंने माता रानी के लहंगे पे वो चिपकाया था तो स्टोन में उससे चिपका रही हूँ ये थोड़ा सा समय देंगे तो आधा घंटा तो ये सूख जाएंगे इस पर चाहे तो आप ग्लूकन से भी लगा सकते हैं चाहे तो आप इससे भी लगा सकते हैं आपके पास जो भी साधन हो चिपकाने का या काम करने का आप उससे कर सकते हैं कोई ये नहीं कि भाई इसके लिए कुछ आपको नया खरीद के लाना है ये देखो आपको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अब ये तो मैंने बना के रख दिया है अब मुझे बाकी दो भी तैयार करने हैं तो जैसे पहले पर शुरुआत करी थी वैसे ही इस पर भी रस्सी लगाने की शुरुआत कर लेंगे और दोनों को बना के तैयार कर लेंगे देखो इस पर तो रस्सी मैंने पूरी लगा के रख दी है और ऐसे ही अब मैं इस पर दूसरे वाले कप पर भी रस्सी लगा लूँगी और इस पर मैंने रस्सी मतलब इस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा चिपकाना पड़ा था क्योंकि नीचे की साइड से ये छोटा है ना और इस पर मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट डिजाइन बनाऊँगी तो अभी देखते रहिए आप तो ये पूरे पे लग गए रस्स की रस्सी इसको चिपका देंगे हम अच्छे से और जब आप एंड करें ना तो वहाँ थोड़ा सा अच्छे से चिपकाएं ताकि खुले ना तो ये भी मेरा बिल्कुल बनकर तैयार है अब इस पर हम क्या डिज़ाइन बनाएंगे इस पर हम फ्लावर नहीं लगाएंगे ये वाले वाइट वाले क्योंकि दो पर लग गए दो एक जैसे बन गए हैं तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगी ये मैंने ना नौ रस्सियाँ ली हैं तो तीन तीन रस्सी को हम डिवाइड कर लेंगे तीन जगह जैसे हम चोटी बनाते हैं ना बालों की चोटी हम जैसे बनाते हैं तो वैसे हम इससे बनाएंगे तो एक तरफ से मैंने ये ग्लू लगा के और यहाँ पर रख दिया है और अब मैं इसको ऐसे इसकी चोटी बना लूँगी और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो रस्सियाँ हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े ना बिल्कुल ऐसे लेबल में आए तीनों इस तरह आराम से सेट करते हुए आप इसकी चोटी बनाए चोटी तो लगभग सभी को बनानी आती है तो इस तरह आप इसकी चोटी बना ले तीन तीन रस्सियों की तो थोड़ी मोटी सी चोटी बनेगी वो देखने में थोड़ी सुंदर लगेगी दो की भी ठीक बन जाती है लेकिन तीन की थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है थोड़ी चौड़ी सी बन जाएगी तो पहले हम इसकी रस्सी हम बना के तैयार कर लिया मैंने पूरी और ये लग... मैंने ऐसे अंदाजे से ही बनाई है रस्सी काट के ये इतनी लगभग बन गया है कि कप के नीचे और ऊपर दोनों साइड लग जाएगी तो अब मैं इसको कप पे पहले मैं इसको चिपका दूंगी अच्छे से उसके बाद में जो एक्स्ट्रा रस्सियाँ होंगी इसमें तब काटूंगी इसमें से ताकि ये खुले ना चोटियाँ तो चिपक है अब इसके चारों तरफ इसको लगा के मैं और आराम से काट लेंगे इसको एक बार हल्की सी खुल जाती है लेकिन उसको आप सेट करके चिपका देंगे ना तो फिर कहीं नहीं जाती वो अच्छे से चिपक जाएगी और ये चोटी लगने के बाद इसमें बिल्कुल डिफरेंट सा लुक आ जाएगा ये बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे आप रेडीमेड खरीद के लाए हैं मार्केट से प्लांटर और बस ऐसे ही अच्छे अच्छे से थोड़ी सी ज़्यादा सी ये लगाएं ग्लू इस पर ताकि अच्छे से स्टक हो जाए इसमें और ये देखो यहाँ तक आ गया तो पहले मैं इसको हल्का सा कट कर दूंगी यहाँ से और अब मैं इसको चिपका दूँगी और ऐसे ही हम ऐसे अच्छे से पकड़ के चिपकाएंगे ताकि सारी रस्सियाँ चिपकाएँ और इसके ऊपर भी हम हल्का सा फिर ग्लू लगा देंगे ताकि खुलने का कोई भी चांस ना रहे तो ऐसे आप हल्का सा और मैंने बोर्ड यहीं रख रखा है ताकि बार बार मुझे ऑन ऑफ करने में दिक्कत ना हो ऐसे ही हम नीचे भी लगा देंगे इसमें और ये थोड़ी सी रस्सी बच गई थी तो मैंने कट नहीं करी है मैंने इसी के ऊपर इसको चिपका दिया है ताकि मजबूती सी रहे खुल खुल के ना जाइए और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़े से मोती लेकिन आपको अभी मैं इसको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है और कैसा लग रहा है फिर आप बताना कि कैसा लगा है देखो लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड और यहाँ पे जहाँ पे ये लेयर आई हुई ना तो यहाँ पे मैं इस पर एक एक मोती लगा दूँगी और ये हाफ मोती हैं मतलब बीच में से कटे हुए हैं ये भी मैं बहुत पहले लाई थी एक बार मैंने मंदिर की डेकोरेशन करी थी तो उसके लिए आए थे तब तो ये ऐसे मैं इसमें मोती लगा दूंगी देखो चाहे तो मैं इन्हें फेंक सकती थी कपो को और ये ऐसे रखे हुए भी अच्छे नहीं लग रहे थे अब मैंने इनको डेकोरेट कर लिया है और इनको मैं प्लांटर के रूप में रखूँगी अब ये सालों साल चलेंगे मेरा घर सज जाएगा और देखने वाले तारीफ करेंगे देखो कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा ये जी, जी बन के तैयार है बहुत सुंदर प्लांटर कैसे लग रहे हैं देखो ये हमने कप से बनाए हैं ये तो आपने देख ही लिया इनको देख के आप अपने टूटे हुए कप कभी नहीं फेंकेंगे ये मेरी गारंटी है और ये वाला ये तो सुंदर बने ही है ये वाला तो और भी ज़्यादा क्यूट बना है देखो अभी मैं इसमें आपको प्लांट रख के दिखाती हूँ इस तरह के जो आर्टिफिशियल प्लांट आते हैं ना देखो ये इसमें फिट हो गया अब देखो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं ये तो बड़े वाला हो गया अगर आप ऐसे छोटे वाले रखना चाहते हैं तो वो भी इसमें इजिली आ जाएंगे आपके पास कोई भी प्लांट हो कोई भी देखो कितनी खूबसूरती निखर के आ रही है इसको इसको लगने के बाद इसमें ऐसे इनमें इनमें भी आप लगा सकते हैं और अगर इनमें में, तो आप रियल प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनमें पहला होल करना पड़ेगा जो बड़े कप है अगर छोटा है कप तो उसमें होल की जरूरत नहीं है लेकिन मिट्टी ऊपर तक भरके रखिए ताकि पानी उसमें ज्यादा ना जाए और जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना मैं तो ऐसे फेक वाले प्लांट रख सकते हैं आप और कहीं भी सजा सकते हैं और ये आपके बिल्कुल बनकर तैयार है चलो इन्हें मैं कहाँ डेकोरेट करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और ये इतने दिन से रखे थे कि ये फेंक दे फेंक दे मेरे को फेंक दे सोच रहे होंगे कब भी पर मैं कहाँ फेंकने वालों में से हूं ऐसे ही करते रहिए जुगाड़ तो चलिए डेकोरेट करते हैं देखो ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं कितने प्यारे लग रहे हैं अगर आप इन्हें बिना प्लांट के भी रखेंगे तो भी ये आपके घर की सुंदरता ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे कितने क्यूट लग रहे हैं इस कॉर्नर में इससे आप अपनी सेंटर टेबल भी सजा सकते हैं देखो एक ट्रे रख दिया मैंने उस पर बुद्धा जी हैं और ये रख दिया ये वाला गमला जो मैंने बनाया है अब इसकी जगह आप दूसरा भी रख सकते हैं देखो दूसरा भी कितना खूबसूरत लग रहा है चाहे तो आप इस तरह एंट्री गेट पर इस तरह इनको रख सकते हैं मैंने यहाँ पे अब एक फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे ये दोनों प्लेस कर दिए हैं और यहीं पर मैंने ये वेलकम वाली बर्ड्स रख दिए देखो जहाँ आपका मन करे आप इन्हें वहाँ रखिए बेडरूम में ड्राइंग रूम में, में लॉबी में बालकनी में जहाँ आपके यहाँ जगह हो लेकिन वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है मेरी मेहनत में से आपको एक परसेंट भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ राधे राधे